बनाने। फैसला कर लो कि चट्टी में चलोगे या पतलून में। चलो आप चलिए, हम आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, क्या करते हो तुम लोग? साहब हम लोग छोटा मोटा सेटलमेंट करते हैं। अपना आप मुंह बंद रख। हम छोटे छोटे सेटलमेंट करते हैं सर। मतलब? अब हम गरीबों की जमीन के मैटर, टाइम पर पेमेंट ना मिलने के मैटर, साथ में पति पत्नी के झगड़े भी सुलझाते हैं। आपके घर में भी हो रहे हो तो हम उसे भी सेटल कर देंगे गारंटी के साथ। झगड़ा नहीं, हम प्यार से रहना सिखाते हैं सर, प्यार से। उफ, ये बताओ तुम 21 तारीख को मंत्रालय क्यों गए थे? मंत्रालय? वो कहाँ है? वो क्या है सर, जब से मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई है हम घर से बाहर ही कहाँ गए। झूठ, वो भी सफेद। सच बताओ मुझे। अब झूठ क्यों बोलेंगे, हम हमेशा सच ही बोलते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और MLAs के साथ हमारा उठना बैठना है, हम एक ही कप में चाय पीते हैं। मतलब तुम वहाँ चाय पीने गए थे? हम कहाँ गए थे, हम तो घर पर ही चाय पीते। ये क्या बार बार वही सवाल पूछ। यहाँ क्या बोल रहे थे तुम? वो मैं कह रहा था आज शुक्रवार है ना, तो महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे, यही बोला था। मर्डर तो मंगलवार को हुआ था। छी छी छी, मंगलवार हो या शुक्रवार, मंदिर रोज जाना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए भतीजे को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, बस इसलिए मंदिर की बातें कर रहे थे। ओ, गलती हो गई हमसे। देखना बाप जी, आज जो मर्डर होगा वो हमारे आज तक के गुनाहों का हाईलाइट होगा। ये वॉइस तो मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या कर रहे हैं सर आप, सब कुछ याद आ गया। आपने सही कहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन वहाँ पर कौन सी सिचुएशन? एक लड़के ने मेरी भतीजी को फंसाया, उसे हम डराने वहाँ गए थे, बस एक छोटी सी वार्निंग देने गए थे, पर उससे पहले हम खुद डर गए। अच्छा, इसका मतलब तुम जिसकी तलाश में गए थे असली खूनी वही है। यूं ही मेरे मुंह से कुछ उगलवाना चाहते हैं। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? मुझे नहीं पता सर। देखिए सर, मुझसे इस बारे में कुछ भी मत पूछे, मुझे कुछ पता नहीं। मेरे भतीजे को बुखार है और मुझे सीने में दर्द है और मेरा दांत दुख रहा है। बुरा मत मान, सर ने ही तो मारा है ना। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। इंक्वायरी हो गई, हम जा सकते हैं। CBI इंक्वायरी तो बहुत ही सिंपल है। चलो चलो। सुनो, उस लड़के का क्या नाम है जो तुम्हारी बहन से प्यार करता है? चरण, निकनेम चेरी है। वो करता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस कंपनी में? बोलो ना। CG ट्रिक्स पनवेल सेक्टर 2। ठीक है, अब निकलो। चलो चलो। ये क्या सर, क्रिमिनल्स को छोड़ दिया? जैसे शराब खत्म होने के बाद बोतल को नहीं रखते, वैसे ही मैटर समझने के बाद गवाहों को नहीं। सही कहा ना? क्यों, क्या ये लोग खूनी नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि उनकी आंखों और आवाज में डर था। जब आपने लड़के के बारे में पूछा तब मैंने नोटिस किया। यू आर राइट, पी तो रहे हो लेकिन फिर भी दिमाग काम कर रहा है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हम उन लोगों को अरेस्ट कर लें? चापलूसी बनकर मुच्छड़, सर बताएंगे। वो खूनी कोई साधारण आदमी नहीं है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। इतने सारे मिनिस्टर्स, MLAs, सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच अपने टारगेट पर सही निशाना लगाया। फॉर डेडिकेशन, डिटरमिनेशन, डिसीजन लेने की इतनी बड़ी क्षमता, समझ में नहीं आता एक अकेला आदमी ये कर कैसे सकता है। विश्वास ही नहीं होता। उसे अरेस्ट करने के लिए हमारे पास सबूत पक्के होने चाहिए। CG ट्रिक्स में जो लड़का काम करता है उसका बायोडाटा चाहिए विद ऑल द डिटेल्स। सर, CG ट्रिक्स का पूरा डेटा मिल गया है। स्टाफ लिस्ट में चरण की डिटेल्स ढूंढो। ये देखो कि मर्डर के दिन यानी 21 तारीख को क्या वो काम पर गया था। वो छुट्टी पे था। यस। इस फोटो को मंत्रालय के CCTV कैमरा के फुटेज के साथ तुरंत मैच करो। इस फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है सर। मुझे तो प्रोफेशनल लगता है सर, उसने कैमरे में अपने चेहरे को आने नहीं दिया। इसे मैंने एक बार न्यूज चैनल पर देखा था सर। कब? पिछले महीने उसने यहाँ के बैगर्स माफिया को एक्सपोज किया था। उसने जिन लोगों को पीटा उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। ए, उन्हें लेकर आओ। आ जाइए भाई, जंप मारिए, जंप। मैं हूँ, गिरने नहीं दूंगा। लगी तो नहीं ना? आराम से चलिए, जंप मारिए। इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलिए ना, रेस नहीं हो रही है। बस रुक जाओ। नमस्कार साहब। क्यों भाई, जब तुम चलते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि रोबोट चल रहा है? टन टन टन, आपको भी सुनाई दिया ना? हाँ।
बॉडी में लीवर, किडनी और हार्ट को छोड़ के सब कुछ लोहे का है। ऐसा क्यों? इतनी मार खाई कि हड्डियों का सूरमा बन गया, इसलिए लोहा तांबा जो भंगार मिला सब अंदर डाल दिया। उसके मारने की वजह से सारी बॉडीज की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। देखा आयरन मैन? बिल्कुल टेलकम पाउडर की तरह। क्या यह फोटो उसी की है जिसने तुम्हारा यह हाल किया? सर ये फोटो देख के इनके सारे स्क्रू ढीले हो गए। घुमा लीजिए सर। बस वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तीनों ने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? इनकी हालत देख के लगता है कि बदले की सोचते। ओ, जैसे इनकी बॉडी भंगार है, ये भी हमारे लिए भंगार है सर। तो इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिनिस्टर के भाई की हत्या इसी ने की है। नरपत जी नमस्कार। इंस्पेक्टर CBI, अभी तक उसे पकड़ा या नहीं? खबर मिली है कि जिसने मेरे भाई को मारा है वो मुझे भी कुंभ मेले में मारने आ रहा है। तुम सब क्या कर रहे हो? वो आपको कभी नहीं मार सकता सर। जब भी आप कुंभ मेले से वापस आएंगे वो आपके सामने हथकड़ी पहने खड़ा होगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। जाओ ढूंढो उसे। आरिया तुम लोग इस तरफ जाओ, हर तरफ ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा। जल्दी करो, कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। बाप रे। ए, ये पिकनिक स्पॉट समझ रखा है जो टहलने आ गए? ये किसका घर है जानते हो? बाप जी के जीजा जी का। उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। वी आर फ्रॉम CBI। तू कौन है? मैं चेरी का मामा हूँ, नाम जलेबी भाई। जलेबी भाई? मानो या ना मानो मेरा नाम जलेबी ही है भाई। अपना नाम चखना रखता तो ड्रिंक के साथ काम आता। हर जगह ढूंढा सर, वो नहीं मिला। आप किसे ढूंढ रहे हैं, बाप जी को या चेरी को? चेरी को। कहाँ गया वो? कुंभ के मेले में। कुंभ मेले? मुझे क्यों? मेरा पेट फट गया है। और क्या क्या फाड़ोगे? सर स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में CBI के काफी पैसे घुसे होंगे। नहीं वो बंद रखो, भांजे को फोन लगाओ। ओके सर। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास। निकालने की हिम्मत भी मत करना, शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा भाई कहाँ है? गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई वहीं पे आएंगे। हाँ?
हॉस्पिटल चलिए। मुझे लगा ये मर चुका है, पर ये तो जिंदा है। मैं इसे मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। सर, एस पर रूल्स, कुंभ मेले में किसी को भी गोली चलाने की इजाजत नहीं है। आप छोड़िए, आप जाओ, आप मेरी बात मानिए।